नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एक 2 HP मोनोब्लॉक वाटर पंप का वाइंडिंग डाटा। तो देखिए दोस्तों, मेरे पास में एक 2 HP की मोटर है जिसको दोस्तों मैंने वाइंडिंग करके कंप्लीट किया हुआ है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये मोटर का वाइंडिंग डाटा बताने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हम जो मोटर के ऊपर एक नेम प्लेट लगी हुई उस पर दोस्तों एक नज़र डालते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो ये मोटर है वो मोटर दोस्तों वरुणा कंपनी की मोटर है और दोस्तों ये 2 HP 1.5 kW की मोटर है। और दोस्तों जो इसका मैक्सिमम एम्पियर है वो दोस्तों 11.50 एम्पियर है। और दोस्तों ये मोटर के अंदर जो कैपेसिटर यूज़ होता है वो दोस्तों 45 MFD का यूज़ होता है। आप दोस्तों 45 की जगह 50 MFD का कैपेसिटर भी लगा सकते हैं। और दोस्तों जो मोटर के जो पंप की साइज़ है वो 100x100 mm है। और दोस्तों जो ये मोटर है वो 24 lot 2 pole 2800 RPM की मोटर है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके वाइंडिंग डाटा है। तो दोस्तों सबसे पहले हम दोस्तों रनिंग वाइंडिंग के डाटा के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों इसका जो रनिंग वाइंडिंग है वो रनिंग वाइंडिंग के अंदर 19+20 इस तरह से दोस्तों पैरेलल वायर का यूज़ किया गया है। और दोस्तों रनिंग वाइंडिंग का टोटल वायर वेट 1 kg 200 g है। तो रनिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग में 4 कॉइल के 2 सेट आमने सामने इंस्टॉल होते हैं। और जो रनिंग वाइंडिंग की पोल पिच है वो दोस्तों 1 से 6, 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12 की। और दोस्तों एक सेट के अंदर जो 4 कॉइल है उसमें दोस्तों प्रत्येक कॉइल में 20 टन डलते हैं। तो दोस्तों इसमें डबल वायर है तो दोस्तों 20 के डबल 40 टन हो जाएंगे। और उसके बाद दोस्तों जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसके अंदर दोस्तों 20 नंबर का सिंगल कॉपर वायर यूज़ किया गया है। और दोस्तों उसमें जो टोटल वायर वेट है दोस्तों 700 g है। और दोस्तों जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसमें दोस्तों 2 कॉइल के 2 सेट बनते हैं। और दोस्तों जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है स्टार्टिंग वाइंडिंग की पोल पिच 1 से 10 और 1 से 12 की है। दोस्तों स्टार्टिंग वाइंडिंग की कॉइल सेट की जो 2 कॉइल है उसमें दोस्तों 45-45 टन डले हुए हैं। और दोस्तों जो वाइंडिंग करने के बाद ये मोटर का जो कनेक्शन है कनेक्शन दोस्तों सीरीज कनेक्शन किया गया है। तो दोस्तों ये था 2 HP 1.5 kW की मोटर का वाइंडिंग डाटा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको भी मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर देना। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।